आज हम इन्हीं दोनों स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन करेंगे, ओप्पो A53 वर्सेस ओप्पो A52। दोनों स्मार्टफोन एक ही ब्रांड के स्मार्टफोन है। हाल ही में ओप्पो ने अपना नया स्मार्टफोन ओप्पो A53 लॉन्च किया है, एंड कुछ टाइम पहले ओप्पो ने ओप्पो A52 इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। और आज मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्मार्टफोन है आपके लिए इन दोनों में से बेस्ट। दोस्तों वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फोन आपको परचेज करना चाहिए। दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं काकू टेक हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन्स के हम लुक एंड डिजाइन से स्टार्ट कर लेते हैं। ओप्पो A53 का लुक आप देख सकते हैं, काफी मतलब कि इस प्राइस सेगमेंट में काफी अच्छा लुक ओप्पो ने दिया है। एंड बैक में आपको यहाँ पे ट्रिपल कैमरा फिंगरप्रिंट एंड ओप्पो की ब्रांडिंग तो यहाँ पर काफी बेस्ट लग रही है, ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एंड फ्रंट में आप देख सकते हैं एक पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बैक में आपको ग्रेडियंट सी मतलब कि ग्रेडियंट सी लुक देगा ये स्मार्टफोन। एंड यहाँ पर आपको बैक में पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है। एंड जो थिकनेस है स्मार्टफोन की वो है 8.4 mm। एंड हम बात कर लेते हैं वेट की, तो वेट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है 186 ग्राम। दोस्तों ये है कुछ ओप्पो A53 की लुक, एंड कुछ सिमिलर सी लुक है ओप्पो A52 की। ओप्पो A52 में आपको बैक में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। एंड जो लुक आप देख सकते हैं थोड़ी सी मतलब कि ज्यादा शाइनिंग हमें देखने को मिल रही है ओप्पो A52 में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोनों स्मार्टफोन्स में, देख सकते हैं आप यहाँ से जो लुक है वो काफी इंप्रेसिव लग रही है ओप्पो A52 की। एंड बैक में आपको क्वाड कैमरा सेटअप, यहाँ पर ओप्पो की ब्रांडिंग, एंड फ्रंट में आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि हमारी पंच होल डिस्प्ले है। एंड जो फिंगरप्रिंट है दोस्तों ओप्पो A52 में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, एंड ओप्पो A53 में बैक में फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की थिकनेस की, वो है हमारी 8.9 mm। एंड अगर हम वेट की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर 192 ग्राम का वेट देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर लुक में हमारा विनर रहता है ओप्पो A52, बिकॉज यहाँ पर जो आपको फिंगरप्रिंट है वो साइड माउंटेड देखने को मिल जाता है, एंड जो यहाँ पर लुक है बैक की वो भी आपको काफी इंप्रेसिव देखने को मिल रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले से, यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन्स में लगभग सेम डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 6.5 इंच की आपको ओप्पो A53 में 6.5 इंच की ओनली HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 89.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ हमें देखने को मिलती है। एंड जहां पर दोस्तों काफी अच्छी बात है जो इस फोन को काफी बेस्ट बना देते हैं, इस फोन में आप 90 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट सेट कर सकते हो। यहां पर हमें 90 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां पर ऑटो रिफ्रेश रेट को आप 90 हर्ट्ज पर सेट कर सकते हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं स्पीड जो है डिस्प्ले काफी मतलब कि अच्छी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही जो ऑफलाइन ब्रांड्स है बहुत कम ब्रांड्स हैं। आई थिंक ये पहला स्मार्टफोन ऑफलाइन ब्रांड में जो आपको 90 हर्ट्ज ईस्ट प्राइस में दे रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों। एंड यहाँ पर हमें कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती है डिस्प्ले पर ओप्पो A53 में। एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर ओप्पो A52 की डिस्प्ले से, दोस्तों यहाँ पर आपको 6.5 इंच की FHD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। हालांकि हमें यहाँ पर 90 हर्ट्ज का कोई भी रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता, मगर जो डिस्प्ले वो आपको FHD+ देखने को मिल जाती है, एंड आपको 90.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। दोस्तों स्पीड यहाँ पर भी काफी अच्छा आप देख सकते हैं फोन स्मार्टफोन की। एंड यहाँ पर आपको कोई भी रिफ्रेश रेट का जो ऑप्शन नहीं मिलेगा डिस्प्ले के सेक्शन में, आप अगर जाते हैं देख सकते हैं दोस्तों, बिकॉज यहाँ पर हमें ओनली एक 60 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले में लगभग दोनों स्मार्टफोन सेम है, बिकॉज यहाँ पर हमें 90 हर्ट्ज देखने को मिल रही है, एंड ओप्पो A52 में हमें FHD+ डिस्प्ले देखने को मिल रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के बैक कैमरा से, ओप्पो A53 में हमें बैक में 13 MP का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, फिर आते हैं 22 MP टू कैमराज जो कि मैक्रो एंड डेप्थ के लिए यूज होते हैं। एंड यहां पर आपको फ्रंट में 16 MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है, मैंने कुछ शॉर्ट्स लिया वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। बात कर लेते हैं ओप्पो A52 के बैक कैमरा से, यहां पर आपको बैक में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 12 MP का हमारा मेन कैमरा है, फिर आता हमारा 8 MP अल्ट्रा वाइड, फिर आता हमारा 2 MP पोर्ट्रेट एंड 2 MP मैक्रो। एंड फ्रंट में आपको दोस्तों 16 MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है, मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए हैं दोनों स्मार्टफोन्स में जिससे आपको पता लग जाए कौन से स्मार्टफोन का कैमरा बेटर है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। दोस्तों ये हमने मेन कैमरा के साथ दोनों स्मार्टफोन फोटो कैप्चर किया, आप देख सकते हैं नो डाउट जो फोटो क्लियरिटी वो हमें लगभग सेम देखने को मिल रही है, मगर यहाँ पर जो फोटो है ओप्पो A52 में थोड़ी सी सैचुरेटेड फोटो देखने को मिल रही है, जिससे कि जो फोटो है वो काफी अच्छी हो जाती है, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों हमने पोर्ट्रेट मोड के साथ कैप्चर किया है, आप इसमें क्लियरिटी देख सकते हैं, क्लियरिटी लगभग हमें सेम देखने को मिल रही है,
बट जो कलर्स हैं वो हमें ओप्पो A52 में काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों हमने मैक्रो के साथ कैप्चर किया, दोनों स्मार्टफोन में हमें सेम मैक्रो देखने को मिल जाता है, कोई खास डिफरेंस नहीं है मैक्रो में। अभी नेक्स्ट फोटो की बात करते हैं दोस्तों, ये है दोनों स्मार्टफोन्स का मेन कैमरा। मेन कैमरा पे अगर हम देखते हैं, किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो मेन कैमरा है हमारा ओप्पो A52 में काफ़ी बेस्ट दिया गया है। ये हमारा ओप्पो A53, आप यहाँ पर जूमिंग लेवल देख सकते हैं। एंड दोस्तों ये हमारा ओप्पो A52 है, बिल्कुल क्लियर फोटो में दिख रही है ओप्पो A53 से। एंड यहाँ पर ओप्पो A53 में आपको कोई भी वाइड एंगल देखने को नहीं मिलता, मगर ये वाइड एंगल शॉट हमने ओप्पो A52 में लिया, आप देख सकते हैं। एंड दोस्तों ये है बैक पोर्ट्रेट, बैक पोर्ट्रेट हमें दोनों स्मार्टफोन्स में लगभग बिल्कुल सेम देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कैमरा में क्लियरली विनर रहता है वो है ओप्पो A52, बिकॉज यहाँ पर आपको कलर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं फोटो क्लिक होने के बाद। एंड जो कैमरा है, फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा, वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी तक तो हमारा ओप्पो A52 भी हर एक चीज़ में विनर है। बात कर लेते हैं कैमरा फीचर्स की, यहाँ पर आपको दोस्तों ओप्पो A53 में पोर्ट्रेट फिल्टर्स, ओप्पो A53 में आपको पोर्ट्रेट फिल्टर्स, डेजल कलर मोड, ये सब देखने को मिल जाएंगे। एंड आपको ओप्पो A52 में आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, AI ब्यूटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, एंड नाइट मोड एंड अल्ट्रा वाइड एंगल आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की, यहाँ पर आप कितने FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो आप 1080p पे आप 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो हमें 4K का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, आप देख सकते हैं। एंड बात करते हैं ओप्पो A52 में, दोस्तों ओप्पो A52 में आप 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड जो आप देख सकते हैं और जो आप वीडियो FPS वो आप 1080p पे 30 FPS ही रिकॉर्ड कर सकेंगे। दोस्तों 4K रिकॉर्डिंग का भी आपको यहाँ पर ओप्पो A52 में ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के बैटरी एंड चार्जिंग टेक्नोलॉजी से, बैटरी दोनों स्मार्टफोन्स में 5000 mAh बैटरी एंड 18W का फास्ट चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड दोनों स्मार्टफोन्स में आप देख सकते हैं टाइप सी चार्जिंग पोर्ट हमें देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं दोस्तों। एंड अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम से, दोनों स्मार्टफोन्स में हमें एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर जो कलर ओएस का सपोर्ट है ओप्पो A53 में हमें कलर ओएस 7.2 देखने को मिल जाता है, एंड ओप्पो A53 में आपको कलर ओएस 7.2 देखने को मिल जाता है, एंड ओप्पो A52 में आपको एंड्रॉयड 10 एंड कलर ओएस 7.1 देखने को मिलेगा। आई थिंक अपडेटेबल है, आप अगर नया फोन परचेज करते हैं तो ये 7.2 में अपडेट हो जाएगा। दोनों स्मार्टफोन्स का कलर ओएस लगभग सेम है, बिकॉज अपडेट होने के बाद यहाँ पर आपको कलर ओएस 7.2 देखने को मिल जाएगा A52 में। बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोसेसर की, दोस्तों ओप्पो A53 इंडिया का पहला स्मार्टफोन है ओप्पो A53, जहाँ पर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में बेस्ड प्रोसेसर, एंड यहाँ पर हमें ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया, आप देख भी सकते हैं। एंड जो दोस्तों हमारे पास ये वेरियंट है वो है 6GB रैम एंड 128GB, जिसका प्राइसिंग है 15490 और लगभग 15,500। एंड इसका एक 4GB रैम एंड 64GB वेरिएंट आता है, उसका प्राइस है 13,012,990। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोसेसर की ओप्पो A52 में, ओप्पो A52 में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में बेस्ड है। एंड यहाँ पर आपको 3 रैम एंड रोम वेरियंट देखने को मिल जाता है, 4128 जिसकी प्राइसिंग है 14990, 6128 जिसकी प्राइसिंग है 16990, एंड फिर आता हमारा 8128 जिसकी प्राइसिंग 18990। दोस्तों यहाँ पर जो प्रोसेसर है उसमें भी हमारा क्लियरली विनर रहता है ओप्पो A52, आप यहाँ पर जो गेमिंग वगैरह काफी अच्छे से कर सकते हैं ओप्पो A52 में, वीडियो भी काफी अच्छे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन से जो कलर वेरियंट आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पावर ब्लैक है ओप्पो A53 में, एंड यहाँ पर आप फेरी व्हाइट एंड फैंसी ब्लू भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर ओप्पो A52 में हमें दो ही कलर वेरियंट देखने को मिलते हैं, टवी लाइट ब्लैक जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल है, एंड यहाँ पर आपको एक्सट्रीम व्हाइट भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये था कुछ दोनों स्मार्टफोन्स में डिफरेंस। अब प्राइसिंग की बात करते हैं, दोस्तों मैंने आपको बता दिया अगर आप 6GB रैम एंड 128GB आप अगर परचेज करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स का, तो यहाँ पर 1500 रुपये का डिफरेंस है, ये हमें 15,500 का मिल रहा है, 17,000 का, 1500 रुपये के डिफरेंस में दोस्तों आपको यहाँ पर जो प्रोसेसर अच्छा देखने को मिल जाता है, कैमरे अच्छे देखने को मिल जाते हैं, एंड लुक एंड काफी अच्छी देखने को मिल जाती है हमें स्मार्टफोन में। तो दोस्तों आप ओप्पो A52 की तरफ जा सकते हैं अगर आपको कोई भी प्राइस का इशू ना है। दोस्तों सबसे बेस्ट फोन है,
अगर इतने बजट में 90 Hz पैनल के साथ ओप्पो A52, ओप्पो A53 15,500 के बजट में ये स्मार्टफोन बेस्ट है। अगर आपके पास 1,500 रुपये एक्स्ट्रा हैं स्मार्टफोन पर लगाने के लिए तो आप ओप्पो A52 की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों ये था कुछ कंपैरिजन, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।